मैंने नहीं सोचा था कि तू भी ऐसा करेगी। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, चली जा यहां से। क्या बात है वर्षा, सूरज निकलने से पहले हमें यहाँ से क्यों चले जाना चाहिए? मालकिन ने कुछ कहा है या तुझसे कुछ भूल हुई है? अभी कुछ ना पूछो बाबा, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। हमें अभी यहाँ से जाना है, चलो। सीता, मैं जानती थी कि एक दिन होने वाला है, इसीलिए मैंने तुझे दूसरे घर में रखा। सब लोगों ने मुझे गलत भी समझा। अब बोल। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब जीते जी ऐसी भूल कभी ना होगी। लेकिन मैं कैसे तेरा विश्वास कर लूं? अगर आज मेरी नजर तुझ पे न पड़ती तो भगवान जानता है इस घर में क्या हो जाता। उसे पता चल जाता कि तू कौन है, और अगर न भी चलता तो अनजाने में तेरे ही मुझसे बात निकल जाती। नहीं दीदी नहीं, मैं इतनी कमजोर दिल की नहीं। जब मेरा सुहाग मुझसे रूठ कर जा रहा था और तुम उसे उनकी नजरों के सामने से दूर ले जा रही थी, तो क्या उस वक्त मैंने अपनी जुबान पर ताले नहीं डाले थे? कहो, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसे जाकर बता दूं कि वो मेरा बेटा है? जबान रुक। बेटा बेटा किसका बेटा? उसे कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, वो क्या खाता है, क्या पीता है जानती है तू? उसे नींद नहीं आती तो क्यों, सर दुखता है तो क्यों, कुछ भी जानती है तू? तेरा उसका संबंध 10 महीने का था और मेरा 20 बरस का है सीता, 20 बरस का। तूने उसे अपने गर्भ में रखा और मैंने उसे अपनी छाती पर सुलाया। तूने उसे सिर्फ जन्म दिया और मैंने उसे उठना बैठना बोलना चालना चलना फिरना सिखाया। अब तू ही बता, क्या मैं अपनी 20 बरस की तपस्या पर पानी फेर दूं? सीता, मैं उसे छोड़ नहीं सकती और तू उसे भूल नहीं सकती। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं जानती हूँ अब तुम क्या कहोगी, यही ना कि मैं घर छोड़कर और कहीं चली जाऊं। दीदी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ये ना कहना मुझसे। मेरे जीवन में उसे दूर से देखने और उसकी आवाज सुनने के सिवा और कौन सी खुशी रखी है दीदी? सीता, मैं जानती थी कि तू यही कहेगी। ममता का दर्द क्या होता है तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तू उसे देखे बगैर नहीं रह सकती और मुझसे अब और दुविधा सही नहीं चाहती। हर घड़ी इसे सोच में मरी जाती हूँ कि तू किसी न किसी वक्त उसे बता देगी कि उसकी माँ तू है। नहीं सीता, नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सीता, ये ले चेक, जितनी रकम चाहे इसमें भर ले, लेकिन भगवान नहीं दे। अब मैं इस रुपये का बोझ नहीं उठा सकती। पहले तुमने मुझे 50,000 रुपये दिए थे, उस एहसान के बदले में मैंने तुम्हें अपना लाडला दे दिया था, लेकिन अब ये विधवा इस रुपये के बदले में तुम्हें क्या दे सकती है? नहीं सीता, नहीं, मैं इसके बदले में तुझसे कोई आशा नहीं रखती। तेरा इतना एहसान बहुत होगा कि तू एक घर छोड़कर कहीं चली जा, मैं भी तो सुख की चार घड़ी देखूं। सीता, आज बड़ी बहन तेरे आगे चोली फैला रही है, मुझे निराश न कर सीता। दीदी, कहो तो अपने प्राण निकाल कर मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन मुझे घर छोड़ने को ना कहो। पढ़ने कहेगी, तूने अभी तक मुझे नहीं समझा। अरे, मैंने परायों को अपने घर में आसरा दे रखा है, तो क्या मैं अपनी सगी बहन को, कि जिसके रगों में मेरे माँ बाप का खून है, उसे इस घर में जगह नहीं दे सकती? मैं तेरा दुख नहीं बांटूंगी तो और कौन बांटेगा? लेकिन इसका क्या इलाज है कि हम एक साथ एक घर में रह नहीं सकते, खा नहीं सकते, सच नहीं बोल सकते? सीता, मैं तुझे त्याग नहीं रही, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू इसी शहर में रहे, लेकिन इस घर से दूर। सीता सुन, एक माँ के कई बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे की दो माएं नहीं हो सकती। बोल, हो सकती है? हो सकती है? माँ तो सिर्फ एक ही हो सकती है सीता, लेकिन इसका फैसला अब तू ही कर कि वो माँ तू है या मैं।